एवरीवन, कैसे हो? सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक शायद दिवाली खत्म हो चुका होगा। कोई बात नहीं, तो चलो वीडियो पे आते हैं। तो कल रात में जब हम वॉच कर रहे थे, तो वॉच के बाद ग्रुप में एक वीडियो का लिंक आया, उसको ओपन किए, वीडियो देखे, ज़्यादा नहीं देखे, थोड़ा ही देखे, क्लिप मतलब टाइम कुछ टाइम था वो देखे। बहुत हंसी आया, इतना हंसी आया कि रात भर मेरा पेट दर्द किया। मतलब जब जब हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे तब तब हंसी आ रहा था। तो वीडियो में एक महापुरुष बता रहे थे कि कुछ कैडेट्स और थर्ड मेट ये लोग कोचिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं क्लासेस के नाम पे, IMU CET स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन के नाम पे, और ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग मतलब बच्चे भी बेवकूफ़ हैं जो इनके पास जाके पढ़ रहे हैं, ये कोई प्रॉपर टीचर नहीं है और ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ऐसे जितने भी कोचिंग हैं जो 50,000 रुपया 70,000 रुपया लेते हैं, और मोस्टली ये लोग को मर्चेंट नेवी से लेना ही देना नहीं होता है। मतलब इन लोगों को मर्चेंट नेवी का M नहीं पता होता है, शिप का S नहीं पता होता है, और ये लोग आके YouTube पे ज्ञान देते हैं शिप के बारे में, कैसे IMU CET की प्रिपरेशन करना है, कैसे स्पॉन्सरशिप क्लियर करना है। ठीक है, तो वो सब अलग चीज़ है। वैसे ऐसे जितने भी कोचिंग हैं उनके जितने भी सिलेक्शन होते हैं पूरे साल भर में स्पॉन्सरशिप का कंपनीज में, हम अगर अपने किसी एक कंपनी का सिर्फ सिलेक्शन रख दें उसके सामने, तो मेरा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ये सब जो भी कोचिंग होते हैं इन लोग का सिलेक्शन SCI में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ क्या ही बोले। चलो चलो, तो मेन मुद्दे पे आते हैं, IMU CET के बारे में। जैसे बहुत यूट्यूबर और कोचिंग वाले मोस्टली जो महंगे महंगे कोचिंग होते हैं वो लोग एकदम रिग्रेस क्लासेस की बात करते हैं कि हाँ मतलब 8 घंटे की क्लासेस करना जरूरी है, 10 घंटे की क्लासेस करना जरूरी है IMU CET के लिए, क्योंकि IMU CET बहुत टफ है। सो IMU CET इज एन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये IIT या नीट का एग्जाम नहीं है जिसके लिए तुमको 10 10 घंटे 12 12 घंटे पढ़ना है। थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ोगे, डेली का 1 घंटा इनफ है। ठीक है, इसमें तुमको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उठा उठा के पटक पटक के नहीं पढ़ना। ठीक है, सेलेक्टिव टॉपिक्स आते हैं IMU CET में, कोई भी, जैसे मैथ्स के मुश्किल से 8 से 10 टॉपिक हैं जिसमें से मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, हर चैप्टर से 2 3 क्वेश्चन रहेंगे, उस 2 3 क्वेश्चन में भी सेलेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जो उसी टाइप के रहेंगे। ठीक है, कोई उसमें नौटंकी नहीं रहेगा कि हाँ ये करो वो करो, IIT नहीं है ये, नॉर्मल सा बेस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। हाँ थोड़ा सा फिजिक्स हो जाता है, क्यों फिजिक्स हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में भी बेसिक्स ही पूछते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में भी कुछ भी पूछ रहे हैं, फिजिक्स में भी बेसिक पूछते हैं। अगर तुम्हारा 12 का बेसिक क्लियर है तो तुम IMU CET में इजीली रैंक ला दोगे यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये जो भी अगर ठीक है, मान लेते तुम्हारा 12 का बेसिक भी खराब है, तुमको कुछ नहीं आता है 12 में, फिर भी तुमको क्लासेस की जरूरत है, तो 50,000 60,000 क्यों वेस्ट करना तुमको किसी क्लासेस पे? सिंपल सा ऑफलाइन ही क्लास करना है ना तुमको, तुमको ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है। सिंपल सा तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि 3,000 4,000 5,000 रुपया में कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं साल का, 5 6 महीना क्लासेस चलती है, 12 का कोर्स कंप्लीट करवाते हैं वो लोग ऑफलाइन, डेली 2 2 घंटे पढ़ा के हर सब्जेक्ट का। तो अगर तुम PCM का अलग से भी क्लासेस करोगे वहाँ पर, तो 10 से 12 हज़ार में तुम्हारा PCM कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो बात रही तुम्हारे स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे प्रिपेयर करना है क्या करना है, तो वो सब के लिए ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन में एक चीज सबसे फायदा है, हमेशा मेंटर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे। जैसे हमारे IMU मेट में ही हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ हम लोग पढ़ा पढ़ा के तुमको IMU CET रैंकर बना देंगे। हमारे IMU मेट का भी रैंक AIR 13 हमारे IMU मेट का, तो हम लोग कभी ऐसा नहीं बोले कि हम लोगों ने उसको पढ़ा पढ़ा के किया है, नहीं, वो खुद इतना टैलेंटेड था, हम लोग क्या पढ़ाएंगे। हाँ बट एक चीज वो भी हमेशा बोलता है और वो अपने वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि सब कुछ वो खुद से किया था, बट क्या करना है वो तो उसको पता ही नहीं था ना।
जो भी चीजें हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी हम हैं या फिर कोई और जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है और सस्ते में दे रहा है, जो बोल रहा है कि 1.5 महीने के क्लासेस है, 2 महीने की क्लासेस है, डेली 2 घंटे पढ़ाएंगे, हम लोग का मोटो ये नहीं रहता है कि हम तुमको सीधे IIT और नीट का प्रिपरेशन करवा देंगे, ऐसा नहीं है। IMU CET में बेसिक्स चीज़ें आती हैं, सेलेक्टिव चीज़ें आती हैं, हम लोग दिए भी हैं एग्ज़ाम और हम लोग देख भी रहे हैं कि बच्चे दे रहे हैं तो आके हम लोग को बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उस चीज़ पे ही हमारा मटेरियल्स रहता है और हम लोग वही सब चीज़ें बताते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जो भी बच्चे प्रिपेयर्ड हैं या जो 12 अच्छे से पढ़े हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, उनको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि हाँ कहाँ पे पढ़ना है। अंधेरे में लाठी घुमाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, या फिर पूरा का पूरा सिलेबस उड़ते जाओ, तो थोड़ा स्मार्टली पढ़ो, ठीक है। और बात रही सिलेबस की, देखो सिंपल सा चीज़ है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए तुमको फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, जो भी बेसिक्स थोड़ी सी टेक्निक होती है वो तुमको पता होना चाहिए। उसके लिए तुमको डेली 6-6 घंटे की क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली पढ़ो। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर चैप्टर के, कुछ चैप्टर है, सारे चैप्टर नहीं है, मुश्किल से 8-10 चैप्टर है जो कि हम लोग के लिए शिपिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसी से पूछा जाता है, तो वो सब पढ़ोगे काफ़ी है। केमिस्ट्री तो रहने ही दो, केमिस्ट्री में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और मोस्टली तो अगर देखा जाए तो उतना टफ नहीं होता है फिर केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री में बहुत को प्रॉब्लम भी होता है। उसके बाद से एप्टीट्यूड के लिए तुमको क्या जरूरत है इतने पैसे बर्बाद करने का, इतने सारे प्रैक्टिस पेपर हैं, इतने सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, हाँ बस तुमको ये जरूरत है जानने के कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग करवाते हैं क्लासेस में, बता देते हैं कि हाँ इस चीज़ को, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब तुमको उसके लिए 10-10 घंटे की क्लासेस करने की तो जरूरत नहीं है, 6 महीने की क्लासेस, ठीक है, इतना तो स्मार्ट हो। और वो कोई क्लैट लेवल या फिर कैट लेवल और UPSC लेवल का तो क्वेश्चन है नहीं कि उसके लिए तुमको एकदम परफेक्ट टीचर चाहिए जो तुमको एकदम सिखा दे कि तुम क्वेश्चन देखते ही एकदम जितना भी टफ क्वेश्चन हो तुम उठा के फेंक दो 10 सेकंड में क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बात रही स्पॉन्सरशिप के प्रिपरेशन की, सो रिजल्ट बोलता है, सिंपल सा चीज़ है। अभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो DNS के कैंडिडेट लेते हैं, वहाँ अगर तुम जाओगे सो 1/4 स्टूडेंट IMU मेट के हैं वहाँ पर, ठीक है। सो बाकी और भी हैं, मोस्टली जो लोग ये बोलते हैं कि ये जो सस्ते कोचिंग हैं और ऑनलाइन कोचिंग है ये लोग पढ़ाते नहीं, ये बस बेवकूफ़ बनाते हैं, तो जब तुम वहाँ के बच्चों से बात करोगे तो तुमको पता चलेगा कि 80% जो कैंडिडेट हैं उस इंस्टीट्यूट में वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के ही हैं, ठीक है, चाहे वो मेरा हो या किसी का भी हो, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं है कि सब खराब ही हैं। ये जो IMU CET को बहुत लोग अच्छे से IIT लेवल का बना के और फिर दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, सो उनके लिए था ये वीडियो। ऐसे हम डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट हाँ सिंपल सी बात है, इतने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम खुद 70,000 वेस्ट किए थे, इसीलिए हमको रियलाइज होता है वर्थ इट नहीं था, ठीक है। सिंपल सा अगर किसी नॉर्मल चीज खुद से सेल्फ प्रिपरेशन भी कर लोगे तो अच्छा है, बट स्पॉन्सरशिप के लिए जरूरत पड़ जाता है गाइडेंस का, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है गाइडेंस, ठीक है। चलो बाकी ये सब तुम्हारी मर्जी है, तो जब भी कहीं भी ज्वाइन करो तो सोच समझ के करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे करियर। चलो इसी के साथ रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।